अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, फिट एंड फाइन। तो ये वीक की जो मेरी स्पेशल रेसिपी है वो है अफ़गानी आलू गोश्त। तो ये जो डिश है बहुत ही सिंपल है और कुछ मसालों से बहुत ही टेस्टी और यमी डिश बनता है। इसके अंदर मसाले जो हैं बहुत ही कम जाते हैं, 2-3 मसाले हैं जो कि जाते हैं इसके अंदर। तो ये बहुत ही लाइट है और बहुत ही टेस्टी है, ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। चलिए देखते हैं अफ़गानी आलू गोश्त कैसे बनाते हैं। अफ़गानी आलू गोश्त बनाने के लिए तो हम पहले प्याज को फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। तो हमें 2 बड़ी प्याज ले लेना है, थिन स्लाइस में काट लीजिए और गोल्डन फ्राई कर लीजिए 1/2 कप ऑयल में। फिर उसके बाद प्याज निकाल लीजिए और फिर वही तेल में आप मटन डाल दीजिए, 500 ग्राम मटन डालिए और उसे उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालिए, 2 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, और थोड़ा सा भुनाई कीजिए जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ मटन को। जब मटन को जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ भूनेंगे तो वो थोड़ा सा पानी छोड़ देगा। तो अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। तो इसमें 1.5 टीस्पून जो है नमक जाएगा, 1.5 टीस्पून सॉल्ट। फिर इसके अंदर हम कोरिएंडर पाउडर डालेंगे, 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर डालेंगे। फिर इसमें ब्लैक पेपर जाएगा, ब्लैक पेपर जो है वो 1 टीस्पून जाएगा। तो इतना मसाला डाल के आपको उसको दोबारा अच्छी तरह भुनाई करना है मसालों के साथ। जब मसाला मटन के साथ आप अच्छी तरीके से भून लेंगे, उसमें फिर उसके बाद आप डालेंगे ग्रीन चिली, 6-8 पीसेस ऑफ ग्रीन चिली जाएगा। और इसमें 1 कप योगर्ट जाएगा, 1 कप दही जाएगा। आप 1 कप दही डालिए और फिर उसको अच्छी तरीके से मिक्स करिए जब तक इसके अंदर बॉयल ना आए। जब बॉयल आ जाए तो फिर इसको इसके अंदर तो पानी डालिए, पानी डाल के और गोश्त को गलने के लिए रख दें। 80% गोश्त जो है वो गल जाना चाहिए। जब गोश्त 80% गल जाए तो फिर इसके अंदर हम आलू डालेंगे। 250 ग्राम ऑफ आलू डाल लीजिए या 3-4 पीसेस ऑफ आलू लेके क्यूब्स में काट के डाल लीजिए। फिर इसके अंदर हम जो ऑनियन हमने जो फ्राई किया था गोल्डन ब्राउन, उसे हम क्रश करेंगे अपने हाथों से। क्रश करने के बाद हम ग्रेवी के अंदर डाल देंगे और फिर मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और फिर इसके अंदर आप थोड़ा सा और पानी डालिए, थोड़ा सा और पानी डाल के दोबारा इसे ढक के रख दीजिए जब तक कि आलू और मटन जो है वो कम्प्लीटली कुक ना हो जाए। बस इतनी सी सिंपल सी रेसिपी है, इजी रेसिपी लेकिन टेस्ट लाजवाब, ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। अफगानी आलू गोश्त इज रेडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिश पसंद आई होगी और ज़रूर ट्राई करेंगे अपने फैमिली मेम्बर के लिए। तो ये डिफरेंट स्टाइल में है, जो नॉर्मल हम आलू गोश्त खाते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सम न्यू बेकिंग या कुकिंग के साथ। जब तक के लिए ना टेंशन लेने का ना टेंशन देने का, हमेशा खुश रहने का। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।